सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रॉयल राजपूताना किचन को और इस घंटे बटन को दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रॉयल राजपूताना किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की कड़ी। गाजर की कड़ी बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए आइए हम देख लेते हैं। हमने एक जग लिया छाछ और किसी हुई गाजर, और हमने लिया है बेसन। अब आइए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो रेगुलर रूटीन में जो मसाले यूज करते हैं वो इसमें हम डालेंगे। पहले हम डालेंगे इसमें बेसन, फिर हम जो रूटीन के मसाले हैं जो हम हर सब्जी में यूज करते हैं वो डालेंगे। इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्ची, आधी चम्मच मिर्ची के बाद में हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच नमक, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको डालेंगे कढ़ाई में। देखिए इसको हम डालेंगे इस कढ़ाई में। गैस को कर देंगे फुल। और इसको हम जब तक चलाएंगे जब तक इसमें उबाली ना आ जाए। देखिए हमारी कढ़ी में उफान आ चुका है, उबाली आ चुकी है इसमें। अब हम इसमें एक कटोरी डालेंगे जिससे निकल के बाहर ना आए गाजर जो हमने किसके रख रखी थी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को एकदम धीमा कर देंगे और आध पौन घंटे तक इसको पकाएंगे अच्छे से। ये ऐसे बड़े ये हमारी कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम लगाएंगे इसमें छौंकन। हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा सा जीरा, हींग, थोड़ी सी राई, मीठा नीम, अब हम इसमें छौंकन लगाएंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे आधी चम्मच गरम मसाला, हरा धनिया, और ये हमारी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे हम चपाती के साथ बाजरे की रोटी के साथ, गेहूँ की रोटी के साथ, किसी के साथ भी हम इसको खाएंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में।